बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें चार बत्ती, आटे के दिए में चार बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डालें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें, मारो घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है चौखट से थोड़ा सा, बिल्कुल चौखट नहीं बैठना, थोड़ा सा बार, नौमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं होना। तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को तापावले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली लच्छा नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, नौवीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की अपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है, वृक्ष में जो गोंद लग रही है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है, पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश, बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर चाहता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ, और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहता। बीमारी डॉक्टर का पीछे नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें चार बत्ती, आटे के दिए में चार बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डालें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें, मारो घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती है चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नौवीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि वैशाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहाँ शिवलिंग रखा होता है जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है, जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है, उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है, फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए कुछ दिन, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए, लगभग 22 दिन लगेंगे
धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है।